हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम आपको सिखा रहे हैं बहुत ही मस्त शक्कर पारा। ये शक्कर पारा बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको जो ट्रिक मैं बताऊंगी वो ट्रिक से आप बनाओगे तो 100% आपका अच्छा ही बनेगा। चलिए, हमने लिया है मैदा, हम थोड़ा सा आटा लिया है, आधा मैदा का आधा, और इतना चीनी लिया है, मतलब जितना ये गेहूं का आटा है उतना चीनी है, और ये दो हिस्सा का मैदा है। अब इसको हम मिला देंगे तीनों को। अब बनाना ऐसा बहुत ही मजेदार शक्कर पारा बनता है, बहुत दिन तक रह जाता है ये। इसके अंदर घी का थोड़ा मोन लेना पड़ता है, करीब करीब 30 ग्राम जितना घी जाता है अंदर, 30 से 40 ग्राम। ऐसा मोन देना है हमको, एकदम सॉफ्ट बनता है। और जरा सा यही चाहिए हम लोग को ऐसा। अभी हम इसका आटा भूनेंगे। मीठा चख लेते हैं आटा, ये लोट को। अगर कम लगता है आपको मीठा तो आप डाल सकते हैं इसमें, ऐसे तो बहुत सही है। में हल्का सुसुम पानी किया हुआ है, गरम, थोड़ा सा गरम। कड़क लोट बांधना है इसका हमको, बहुत नरम नहीं बांधना है। ऐसे कड़क आटा बांध के बनाना है हमको। ये पानी ज्यादा नहीं जाता है, बहुत कम पानी आपके हिसाब से आपको देना होगा। आधा कप से ज्यादा पानी नहीं जाता है इसमें, बस आधा कप पानी चाहिए अगर इतना ही आटा हो तो आपके पास। ये हमारा आटा कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हम। बाद शक्कर पारा बनाते हैं। यही आटा बांधोगे आप ऐसे, ज्यादा कड़क भी नहीं और नरम भी इतना नहीं। ये हमारा आटा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम रख देंगे। ये हमारा एकदम रेडी। जो बना के रखा था उसे अब हम बनाने जा रहे हैं। इसको बेलना पड़ेगा हमको। इस तरह हमको बेलना है और इसको ऐसे काट लेंगे हम साइड से। ऐसा ठीक बेलना है इतना। हम कट करेंगे पीसेस में।
ये हमारा तेल हो चुका है गरम। हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तरह बुलबुले आने लगे हैं इसीलिए हमारा तेल हो चुका है। अभी फ्राई हो गए, फ्राई होते ही ऊपर आने लगेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। और 1 मंथ तक आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। मीडियम आंच पे फ्राई करना है क्योंकि बहुत आंच रहेगा ज्यादा तो तुरंत ही फ्राई हो जाएगा और अंदर से हमारा सॉफ्ट रह जाता है एकदम नरम नरम। ये खाने में तो आपको सॉफ्ट ही रहेगा पर अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करने से। ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए कितना मजेदार लग रहा है। ऐसे तिल छिटक के आप इसको बेल दोगे, तिल वाला भी आप बना सकते हैं। ऐसे हम तिल वाला बना के अब इसके ऊपर हम बेल देंगे। तिल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैंने निकाल लिए, अब हम फ्राई करने डालेंगे। तेल हमारा गरम ही है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सब फ्राई हो चुके हैं। अब फ्राई करके आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ये हमारे शक्करपारे एकदम रेडी हो गए हैं। इसमें हम तल भी डाल सकते हैं, वो भी आपको छीट के दिखाया, और तल बगैर भी बना सकते हो। और कितने सॉफ्ट बने हैं देखे। और ऐसे ये आपका 1 महीना 15 दिन 20 दिन तक रह जाता है। और इस तरह आप जरूर बनाओगे। और मेरी चैनल को लाइक करना, बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।